अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर रहीम है और आप देख रहे हैं ई डिजिटल टेक्निक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दूसरा पार्ट हम लोग आज चला रहे हैं इसका वीडियो का, जिसमें कि हम लोगों ने पहले पार्ट में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और जिन्होंने मेरी वीडियो आज की वीडियो मेरी पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसको समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पहली वीडियो का लिंक भी मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं और ऊपर आई के निशान पर भी आ रहा है, आप वहां से जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं कि इसके पहले पार्ट में क्या था। तो आज हम लोग दूसरी वीडियो को शुरू करते हैं और इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे फीचर इसमें मिलेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिव्यू नहीं किए थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। E-Digital Techniques। दूसरी वीडियो में पहली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह हम लोग अपने वर्ड फाइल को किस तरह करते हैं, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट उसके पावर पॉइंट के बारे में हम लोगों ने सीखा था। इसके बाद हम लोगों के पास देखेंगे, पहले प्लस का निशान हम लोगों ने क्लिक किया था, अभी हम लोग अपने एक्शंस में इसमें क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद हमारे पास सामने लिखा है फाइल ट्रांसफ़र। अगर फाइल ट्रांसफ़र को हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ है गो टू अपने कंप्यूटर के अंदर, जो भी आपको अपने इस फाइल में, जबकि मोबाइल के अंदर कोई फाइल है, अपने कंप्यूटर के अंदर आप किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट के थ्रू ही हम लोग फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसमें क्या कि आपने एक वेबसाइट अपने कंप्यूटर के अंदर खोल लेंगे और इसमें आप सेंड में क्लिक करेंगे तो इसमें एक बार कोड बनकर आ जाएगा। आप इस बार कोड की मदद से स्कैन करेंगे तो आपके पेयर बन जाएगा अपने आपके मोबाइल का और आपके कंप्यूटर का। तो आप अपनी कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में और कंप्यूटर से अपने मोबाइल के अंदर आपको फाइल इसमें ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आती है नियर बाय। अगर आपके पास सेम टू सेम सॉफ्टवेयर आपके दोस्त के पास भी इंस्टॉल किया हुआ है तो आप ऑफलाइन कोई भी फाइल जो है आप अपने मोबाइल से दूसरे दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, उससे अपने मोबाइल में कोई भी फाइल अपने ऑफलाइन फाइल रिसीव कर सकते हैं। और इसके बाद थर्ड नंबर पर जो ऑप्शंस आ रही हैं ये हम लोगों ने पहली वीडियो में सीख लिया हुआ है किस तरह ये एडिटेबल फाइल अपनी बनाता है वर्ड की और इमेज टू टेबल, और कोई भी इमेज होगी आप उससे टेबल में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी फाइल अगर आपने पहले से पिक्चर ली हुई है, नॉर्मल कैमरे से आप पिक्चर लेंगे तो ये इमेज से टेक्स्ट में चेंज कर देगा और इमेज टू टेबल में कोई भी आपका एक्सेल की फाइल होगी जिसकी आपने नॉर्मली पिक्चर ली हुई है, ये इमेज से आपके उसमें ट्रांसफ़र कर देगा टेबल के अंदर। और उसके बाद हमारी ऑप्शन आ जाती है इसमें सिग्नेचर की, साइन ए PDF। अगर आपके पास कोई ऐसी PDF फाइल आ गई है और आपके पास कंप्यूटर नहीं है या आप कहीं ट्रैवलिंग के अंदर हैं तो आप अपनी कोई भी PDF फाइल को अगर सिग्नेचर करने के लिए आ गए हो तो आप उसको सिग्नेचर कैसे करेंगे। आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कोई भी मैं एक फ़ाइल ले लेता हूं, इस फाइल को हम लोग अपने कुछ भी हम लोग इस पर साइन करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने ऊपर देखे निशान बना हुआ आ रहा है इसमें पेंसिल का, हम लोग इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोबारा से फिर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि आप कहाँ पर साइन करना चाहते हैं। तो मैं इस जगह पर इसको टैप करता हूँ और टैप करने के बाद ये विंडो खुलकर आ जाएगी। इसमें अपनी मर्ज़ी से हम लोग अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं, इसमें एक दफ़ा आपको सेव करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास कोई सिग्नेचर किया हुआ पेपर है, पेपर पे आप सिर्फ साइन करें, साइन करने के बाद उसकी पिक्चर ले लेंगे तो आप पिक्चर से आपके सिग्नेचर सिर्फ उठा लेगा। जिस तरह कि मैं इसके प्लस के निशान पर इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये मेरी फ़ोटो गैलरी के अंदर चला जाएगा। फ़ोटो गैलरी में जाने के बाद हम लोग, मेरे पास एक पहले से साइन किया हुआ इसमें पड़ा हुआ है सिग्नेचर, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके करूँगा तो ये मेरा ऑलरेडी सिग्नेचर किया हुआ इसमें इसने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। और ये टिक के निशान को मैं ओके करता हूँ तो ये उसी जगह पर मेरा सिग्नेचर आ गया। अपनी मर्ज़ी से मैं अपने देखें कि सिग्नेचर किसी भी आने वाली PDF पर मैं इस तरह सिग्नेचर करके इसको सेव कर दूंगा और उसके बाद मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूं अपने ऑनलाइन अपने ईमेल के थ्रू भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं इसको सेंड कर सकता हूं। ठीक है, इसमें आ गया हुआ। उसके बाद आ गया कि स्कैन ए PDF। अगर आपके पास कोई भी पेपर है, आप उसको PDF में स्कैन करना चाह रहे हैं तो आप इसमें सिंपली आप इसको सामने रखें और कोई भी फाइल है आप उसके इस तरह कर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कितने एरिया को स्कैन में लेके आना चाहते हैं। जो आपकी इमेज जिसने ली है ये स्कैनर के अंदर, इसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर में मिलेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एड्स को देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें आपको कोई ऐड भी नहीं मिलेगी और ये स्कैनर
आपको इसने स्कैन कर दिया, ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। और आप इसमें मजीद कोई दूसरा पेपर ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें ऐड ए न्यू, अगर इसमें क्लिक करते हैं तो एक और फाइल के लिए ये रेडी हो जाएगा आपको स्कैन करने के लिए। कोई भी दूसरा पेपर अगर इसमें स्कैन करना चाह रहे हैं तो ये इसमें स्कैन करने के लिए आ गया हुआ है। इसमें हम लोग सिंपली सेलेक्ट एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंफर्म करता हूँ। इसमें फ़िल्टर्स बने हुए हैं, हम लोग इसमें फ़िल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ और सामने फ़िल्टर्स बने हुए हैं, ऑटोली सेलेक्ट करना है या इसको ब्लैक एंड वाइट में करना है, सेम टाइम पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो ये क्या है कि डायरेक्टली आपकी पीडीएफ फाइल बनकर आ जाएगी। आप उस पीडीएफ फाइल को क्या है कि अपने मोबाइल में एज ए स्कैनर के तौर पर भी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है पिक्चर टू पीडीएफ। आपके मोबाइल में कोई भी पिक्चर है, आप दो चार आपने कोई पिक्चर्स ली हुई हैं, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर कर भी भेज सकते हैं। जिस तरह आपने कोई चीज़ नॉर्मली मोबाइल से आपने पिक्चर्स ली हैं तो आप उसको भी पीडीएफ में, इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखें कि ये सामने आ गई पिक्चर। हम लोग देखने के बाद क्रॉप का निशान है, हम लोग इस क्रॉप के निशान से इसको क्लिक करने के बाद हम लोग इसको डन करते हैं तो ये सामने मेरे पास पीडीएफ फाइल बनकर आ गई हुई है, ये सेफ हो गई हुई है। तो हम लोग इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सामने शेयर का निशान शेयर कर सकते हैं इसको हम लोग करने के बाद। तो इसमें सेव कर लिया, सेव करने के बाद हम लोग इसको शेयर कर सकते हैं किसी पे भी, किसी भी ईमेल के थ्रू या कहीं पे भी हम लोग कर सकते हैं। दोबारा फिर हम लोग इसमें एक्शन में जाते हैं और इसके अलावा हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी भी तरह का, आपके मोबाइल में जितने भी आपके पास पावर पॉइंट है, एक्सेल है या आपके पास वर्ड की फाइल है, उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें आपके मोबाइल में जितनी भी फाइल्स मौजूद होंगी ये खुद ही स्कैन करके सामने ले आएगा, आप उसको बड़ी आसानी के साथ अपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और उस पीडीएफ फाइल को आप वर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एडिटेबल फाइल वो बन जाएगी। कोई भी मेरे पास ये अभी इस टाइम एक फाइल ये है, इसको मैं अपनी एडिटेबल फाइल वर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस पीडीएफ फाइल को, तो ये देखें कि एडिटेबल बड़ी आसानी के साथ इसने ये मेरी एडिटेबल फाइल बना के दे दी है। मैं इसको कोई भी एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, सामने एडिट का निशान आ गया है, इस एडिट के निशान को क्लिक करूँगा तो इसमें मैं अपनी मर्जी से कोई भी एडिट कर सकता हूँ। इसमें कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसको हम लोग एडिटेबल फाइल पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इसमें एक्शंस में कोई क्यूआर कोड, कोई हमारे पास क्यूआर कोड है कोई इसी चीज़ का हम लोग के बारे में जानना चाहते हैं, आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट है तो आप क्यूआर कोड को क्लिक करते हैं तो इसका एक कैमरा ओपन होकर आ जाएगा, क्यूआर कोड को ये स्कैन करेगा और उस क्यूआर कोड में की रीडिंग में क्या लिखा हुआ है तो उसको रीड कर कर भी ये बता सकता है। और इसके लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमारे पास हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो हम लोग उसकी से रिहर्सल करना चाहते हैं तो हम लोग इसको क्लिक करने के बाद वो हमारे पास सामने स्लाइड्स आती रहेंगी, आप उसको बड़ी आसानी के साथ अपनी रिहर्सल कर सकते हैं, रिहर्सल कर कर ताकि आप अपने किसी भी मीटिंग में या किसी प्रेजेंटेशन में कहीं जा रहे हैं तो आप उसको आसानी से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्योंकि आपने पहले से रिहर्सल की हुई है। इस समय स्क्रीन पर जो निशान आ रहा है ये सब्सक्राइब का निशान है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमती वीडियोस जो कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होंगी आपको मिलती रहें। आज तक की वीडियो के लिए यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं, इसके अलावा हम लोग अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।